दोस्तों आपने दो तरीके की टेक्नोलॉजी का जरूर नाम सुना होगा, एनालॉग और डिजिटल। अब दोस्तों मतलब ये जो चीज है, कुछ लोग सोचते भी होंगे कि ये जो एनालॉग है काफी पुराना है, डिजिटल एकदम नया है, और यानी कि मतलब डिजिटल एकदम नया है तो एकदम अच्छा ही होगा और एनालॉग एकदम पुराना है। और दोस्तों मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि एनालॉग अच्छा है डिजिटल से। तो उसमें मतलब सवाल ये उठता है कि ये दोनों चीजें हैं होती क्या है, जो मतलब इन चीजों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या क्या फायदा है। तो बस देखते रहे इस वीडियो को, मैं आज आपसे इन्हीं बारे में बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजी, आप देख रहे हैं टेक्सन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मतलब आप ऐसा सोचिए, 25-30 साल पहले जब डिजिटल था तो उस वक्त मतलब क्या क्या चीजें मिलती थी हमको डिजिटल के अंदर। दोस्तों डिजिटल में मतलब हमको देखने को मिलती थी, मतलब कुछ वॉच में देखने को मिलती थी, और सिर्फ कैलकुलेटर वगैरह में। इससे ज्यादा दोस्तों हमें ये जो डिजिटल है कहीं और देखने को नहीं मिलती थी। अब दोस्तों मतलब जो एनालॉग आता है हमारे पास, एनालॉग दोस्तों होता क्या है, मतलब इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिर्फ दो चीज में मिलती थी हमको, लेकिन अब के टाइम में मतलब प्रेजेंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे को मतलब हर चीज में देखने को मिलती है, वॉच में, किसी स्मार्टफोन में, किसी लैपटॉप में, पीसी, और जैसे कि मैं आपसे बताऊं थर्मामीटर वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं हमको डिजिटल में देखने को मिलती है। अब दोस्तों मतलब इसका क्या मतलब ये निकलता है कि जो एनालॉग एकदम बेकार है, कि क्योंकि डिजिटल जो है हमारे बहुत सारी उसमें टाइप में आ चुका है, काफी जगह यूज हो चुका है। तो दोस्तों इसका मतलब ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपसे बात करूं अगर एनालॉग की, तो दोस्तों एनालॉग क्या चीज है, एनालॉग एक ऐसी चीज है जो मतलब एनालॉगिस्ट मतलब एनालाइज करती है एक चीज को। जैसे कि मैं आपसे बात करूं अगर कि एक मान लीजिए मेरे पास पेन है, पेन की उसकी लेंथ जो है मतलब वो है मान लीजिए 16 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 16 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ हो गई। फिर बाद में अगर मैं मतलब मैंने वो जो चीज है वो स्केल से नापी, अब वो जो 16 सेंटीमीटर की जो लेंथ है स्केल के ऊपर जो स्केल है उसकी, अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको दिखा दूंगा कि यहां से लेकर यहां तक 16 सेंटीमीटर तक का स्केल जो है उतना ही हमारे पास पेन है। मतलब मैं पेन को नहीं दिखा रहा हूं लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन करवा के दिखा रहा हूँ आपको स्केल के थ्रू। मतलब स्केल के थ्रू मैं आपको उसकी लेंथ बतवा रहा हूँ। अब दोस्तों मतलब यही चीज है कि एनालाइज करती है एकदम अच्छे तरीके से, भले ही मतलब वो चीज नहीं होती जिस चीज को हम कर रहे होते हैं। दोस्तों जो ये एनालॉग है, मतलब हमको कुछ प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है कि एनालॉग वॉच मिलती है हमको, एनालॉग कैमरा, एनालॉग माइक्रोफोन वगैरह वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे दूसरी तरफ बात करूं डिजिटल के अंदर, डिजिटल में हमको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, मतलब हमको देखने को मिल जाता है घड़ी में, वॉच वगैरह में, और थर्मामीटर में। मतलब वॉच में हमको कुछ देखने को टाइम ऐसे मिल जाता है कि 10:09 और 5 सेकंड फॉर एग्जांपल हमको मतलब ऐसा टाइम देखने को एकदम मिल जाता है। और वैसे मैं आपसे अगर दूसरी तरफ बात करूं कि थर्मामीटर हमको क्या दिखता है, मतलब एकदम 93.7 फ़ारेनहाइट वगैरह वगैरह हमको मतलब इस चीज में हमको देखने को जरूर मिल जाता है। मतलब आपसे बात करूं डिजिटल जो चीज है वो डिजिटल कैमरे में यूज हो रही है, मतलब कुछ भी डिजिटल नंबर्स फॉर्म में जो हमको शो हो रही है सिस्टम जो है, तो उसको हम डिजिटल सिस्टम में कहते हैं। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं कि आपसे कि आपके दिमाग में मतलब ऐसा सवाल जरूर उठता होगा कि जो डिजिटल है, डिजिटल वॉच जो है उसकी जो मतलब एक्यूरेसी है, एक्यूरेट जितना है वो एनालॉग से कम है। मैं बात करूं कि ये कैसे है, मतलब दोस्तों मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपसे अगर बात करूं कि जो एनालॉग है उसमें ही हमको जो है डिपेंडेंट देखने को मिल जाता है कि मतलब अगर हमारे पास जो एक्यूरेसी है एनालॉग के अंदर उसमें अच्छी नहीं मिलेगी देखने को, तो हम वो डिजिटल में हमको अच्छी सी नहीं टाइम मिल पाएगा। मतलब कि जो डिपेंडेंट है, मतलब एनालॉग अगर हमारे पास एक्यूरेट होगा तभी हमारे पास जो है डिजिटल का जो टाइम दिखाएगा एकदम एक्यूरेट दिखाएगा। अब मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि अगर मैं आपसे बता देता हूं कि जो एनालॉग वॉच है, अगर मान लीजिए एकदम काफी हाइब्रिड है, एकदम हाई क्वालिटी गेयर लगे हुए हैं, एकदम अच्छा एकदम तगड़ा सा एकदम मैकेनिज्म लगा हुआ है उसमें, और मैं आपसे अगर दूसरी तरफ लेकर आऊं कि एक डिजिटल वॉच है एकदम 20-30 रुपए की हमारे पास डिजिटल वॉच आती है मतलब सस्ते में, अब मैं उससे मतलब एकदम टाइम एक्यूरेसी को दिखाऊं आपके सामने रखूं, तो जो है हमारे पास एनालॉग में एकदम बिल्कुल ही एकदम मतलब कोई लेवल ही नहीं बनेगा जो डिजिटल का है उस एनालॉग वॉच के थ्रू। मतलब कि जो एनालॉग का जो टाइम रहेगा, एनालॉग की जो एक्यूरेसी रहेगी एकदम ऊपर लेवल की रहेगी, और जो डिजिटल की है एकदम बहुत ही कम लेवल की मिल जाएगी हमको। मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जो एनालॉग है मतलब अपनी जगह पे ही एकदम बढ़िया है, और डिजिटल भी अपनी जगह पर ही बढ़िया है। मतलब हर चीज अलग अलग के मतलब अपने फायदे हैं और अपने ही नुकसान है। मतलब मैं आपसे अगर बात करूं डिजिटल में,
तो सर डिजिटल एकदम ऐसा वे है जिसमें कि हम बिल्कुल ही इजी तरीके से हर चीज को परफॉर्म कर पाते हैं। मतलब कि आपसे बात करूं अगर मैं कि सॉन्ग वॉन्ग को हमें मतलब स्टोर करना है तो छोटे से मेमोरी कार्ड में हमको स्टोरेज मिल जाती है MP3 की वर्जन में, कन्वर्टर से में हमको उसमें देखने को जरूर मिल जाती है। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं जैसे कि एनालॉग में थोड़ा सा मतलब उसका जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे पास की एकदम अलग अलग तरीके की कैसेट, मतलब एकदम अलग अलग तरीके की स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि काफी एकदम डीपली मेथड से हमको देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपसे अगर बात करूं कि इसमें जो देखने को जो चीज मिलती है एकदम अलग ही मिलती है हमको। अब वैसे मैं दोस्तों आपसे बता दिया कि मैंने आपको जो एनालॉग है उसमें अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान जो है हमको देखने को जो इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो एनालॉग आता है इसमें अलग ही, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया कि अलग ही खूबी और अलग ही मतलब उसकी कमी है। अब मतलब मैं आपसे बात करूं एनालॉग के अंदर, ये दोस्तों जैसी है आज वैसी ही आगे रहने वाली है, कभी मतलब ऐसा तो चेंज होगी नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं हेडफोन्स की, ईयरफोन्स की, स्पीकर वगैरह, ब्लूटूथ स्पीकर, मतलब इन सब की बात करूं तो मतलब ये जो चीजें हैं कभी डिजिटल में तो आ ही नहीं सकती। अब मैं आपसे अगर एक प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, एक ब्रांड की नाम की बात करूं, मिथ सिंगल ब्रांड जो है हमारे पास, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि जो दोनों चीज है डिजिटल और एनालॉग एक साथ ही काम करने का देखने के लिए हमको जरूर मिल जाते हैं इस चीज में। तो दोस्तों मतलब ऐसा ही था दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इस वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर कमेंट में कर सकते हैं, और मेरे को फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। दोस्तों बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।